उदयपुर शहर में सुखेड़ थाने में आने वाले फ्लोरा कॉम्प्लेक्स स्थित होटल व्यवसायी विनय भंडारी के घर फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार फायरिंग कब और किसने की ये तो पता नहीं, लेकिन विनय भंडारी ने बताया कि जब सुबह उनका नौकर सफाई के लिए उठा तो घर के दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था और नीचे दो बुलेट के खाली कारतूस पड़े हुए मिले। विनय भंडारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और बारीकी से जांच कर रही है। विनय भंडारी का मकान फ्लोरा कॉम्प्लेक्स में स्थित है। फायरिंग किस मकसद से की गई इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार इस एरिया के सीसी फुटेज देखे जाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि फायरिंग कब की गई। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।